हाय नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। तो आप लोग को जो आज वैकेंसी वाले बताने वाले हैं वो जो आई हुई है उसमें अप्रेंटिसशिप के लिए आई हुई है, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक इस नोटिफिकेशन को देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाइएगा ताकि जो लोग एलिजिबल है वो लोग भी अपने इस प्रोफाइल को कम्प्लीट कर सके और अपने आपको सिक्योर कर सके। ठीक है, तो इसमें हम लोग बिना देर किए हुए उसको देखेंगे यहाँ पर कि इसमें जो आई हुई है वैकेंसी जो आई हुई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड विशाख रिफाइनरी में आई हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिस के लिए आई हुई है, इंजीनियरिंग एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के हिसाब से आया हुआ है। तो इसमें जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL इज ए महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है सेमी गवर्नमेंट के लिए है, तो ये अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, तो इसीलिए आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए, इसमें अच्छी स्टाइपेंड देती है। तो इट इज़ इंगेज्ड इन द रिफाइनरी स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड इज ए मेजर प्लेयर इन द हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो है पेट्रोलियम से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट बनाती है और ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में करती है, पब्लिश करती है। ठीक है, इसी के लिए वैकेंसी निकाली हुई, तो इसमें इसको देखेंगे क्या दिया हुआ है। विशाखा रिफाइनरी प्रपोज टू इंगेज 100 नंबर ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, 100 पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए इन द फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, सेफ्टी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वाइल्ड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और पेट्रोल इंजीनियरिंग। ये सारे ट्रेड वाले जो है, ये सारे फैकल्टीज वाले जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्रेंटिस रहेगी 1 साल के लिए रहेगी, ये कोई परमानेंट नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट जो है 7/1/2023 से शुरू हो गई है अप्लाई करना, उसके बाद जो है 14/1/2023 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो नेट्स के थ्रू। नेट्स क्या है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, जो कि मैं पहले एक बार आप लोगों को इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, उसमें हम लिंक दिए हुए हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारा प्रोसेस उसमें दिया हुआ है, इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग पोजीशन डिस्क्रिप्शन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया दिया गया है और ये सारे जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आपके ग्रेजुएट हो तो कौन कौन से ट्रेड से हो, कौन कौन से ब्रांच में हो, वो सारा चीज़ दिया गया है इसमें। तो ये सारा चीज़ मैंने पहले बता दिया। एज लिमिट जो है 18-25 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं है। आपका एज रिलैक्सेशन, अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो, बिलो कास्ट से, तो आपके रिलैक्सेशन भी दी गई है 5 साल और 3 साल के लिए, ओबीसी वालों के लिए 3 साल और SC ST वालों के लिए 5 साल और PWD के लिए 10 ईयर्स। ठीक है, एज क्वालिफिकेशन तो यहाँ देख ही लिए हैं आप लोग। उसके बाद मंथली स्टाइपेन जो रहेगी, आपकी जो स्टाइपेन रहेगी वो 2500 रुपये पर मंथ रहेंगे, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे सभी के लिए, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड थ्रू द NATS पोर्टल ऑन बिफोर 14/1/2023, तो 14 जनवरी 2023 से पहले अप्लाई करना है, तब जा करके आप अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ओनली इंडियन, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया गया है उसके लिए दिया गया है कि और इंडियन सिटीजन हो, और उसके अलावा आपके नेशनल अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है NATS का, उस पर आप रजिस्टर्ड हो और उस पर से ही अप्लाई करना है, उसी से अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ है, तो ये सब सेम ही है। और आपका कैलकुलेशन होना चाहिए, परसेंटेज जो है, आप जो CGPA में जो हमारा मार्क्स आता है उसको कैलकुलेशन होता है। कैसे होता है कैलकुलेशन, तो मैं बता देता हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से होती है। सपोज दैट मेरा आया है 8.5, तो हम क्या करेंगे, 10 CGPA का टोटल एग्जाम हो रहा है, तो उसमें से माइनस कर देंगे 8.5, तो हो जाए, सॉरी अगर 0.5 माइनस कर देते तो 9.5 आया है, उसमें से 8.5 कर देंगे माइनस इनटू 10 कर देंगे, तो हमारा 80% आ जाता है, तो उस हिसाब से उसमें 80% फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो टेक्निकल एजुकेशन और UGC AICT एफिलिएटेड होना चाहिए आपके कॉलेज, जो भी अप्लाई कर रहे हैं। एज लिमिट पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं सिलेक्शन मेथडोलॉजी। ठीक है, कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल द एबव मेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू व्हिच विल बी टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023। तो ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि उसको कितने नंबर पोस्ट के लिए कैंडिडेट लेना है और कब लेना है, कैसे लेना है। ठीक है, तो वो हिसाब से वो मेरिट लिस्ट पब्लिश करेंगे। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बेसिस द एकेडमिक रिजल्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्री एंड स्कोर इन द इंटरव्यू।
तो वो जो है मेरिट रिजल्ट जो है वो पब्लिश करेंगे कैंडिडेट के बीच में, उसके बाद जो स्कोर होगा उसके आधार पर इंटरव्यू होगी। फाइनल ऑफर फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वुड बी सब्जेक्टेड टू द क्लियरिंग द मेडिकल टेस्ट एज पर द एचपीसीएल स्टैंडर्ड एंड सबमिशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो जो मेडिकल उसका है वो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें जो है आपका मेडिकल लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट में जो एचपीसीएल का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपका मेडिकल होगा। उसमें जो अगर फिट निकलेंगे, क्वालिफिकेशन, कास्ट, मेडिकल, ये सारे चीज़ अगर फिटनेस हो गई तब जा कर के आप अप्लीकेबल होंगे। उसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का वो मैं बता दिया हूँ, ये सब सारे प्रोसेस है मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा। इस्टेब्लिशमेंट में क्या डालना है वो भी दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट में आप फाइंड आउट क्या करेंगे कि इसमें नाम डालेंगे कंपनी का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कैसे करना है वो भी मैं दिखाऊंगा आगे। तो ये सब सारी चीज़ आप छोड़ दो, ये सब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए है। इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, इसको आप डिटेल से पढ़ लेना ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद इसमें दिया गया है अप्रेंटिसशिप विल बी प्लेस्ड फॉर द ट्रेनिंग एट विशाखापट्टनम। तो ये जो ट्रेनिंग जो आपको दिया जाएगा वो विशाखापट्टनम में आपका प्लेस ट्रेनिंग प्लेस रहेगी, तो इसीलिए आप लोग एक्टिव रहे, ठीक है। जनरल टर्म एंड कंडीशन कुछ दिए गए हैं, इस पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं और उस हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे है नोट में देखते हैं, यहाँ हाईलाइटेड चीज़ है कि कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स टू एचपीसीएल। द डिटेल्स फील्ड इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसीडर्ड फाइनल एंड नंबर चेंजेस विल बी इंटेंड विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनल और द अदर डिटेल्स लेटर ऑन। अगर इसमें आपको जो आप इसमें सबमिट कर रहे हैं तो उसमें हार्ड कॉपी जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भेजने की जरूरत नहीं है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दी है उसी के आधार पे जो है इसका मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट के साथ, उस समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप लोग देखिएगा इसमें ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपेंड अपडेटेड एट ईच स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस बाय द विजिटिंग नेट्स पोर्टल। तो जो भी कैंडिडेट होगा उसके स्टेप बाय स्टेप उसको चेक किया जाएगा उसके नेट्स पोर्टल पे, और उसे मैचिंग किया जाएगा तब जाके आपका होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपको किसी भी तरह का इंक्वायरी की जरूरत है तो इसका मेल आईडी दिया गया है apprentices@hpcl.in, फ़ोन नंबर भी दिया गया, आप लोग कॉल इनको करके पूछ सकते हैं। बट आपको ज़्यादा यह सफिशियंट है तो उस पर इसीलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको पूछने के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पोर्टल पे, NATS के पोर्टल पे कि कैसे हम लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग को ये सारा चीज़ अगर पता है, यहाँ पे देखिए MHRD NATS.gov.in दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पोर्टल खुलेगा, ठीक है। ये पोर्टल खुलते ही आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम लोग को अप्लाई करना है और क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ पे आप अपना मेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका मेल आईडी है वो डालेंगे इसमें, उसके बाद आप इसमें आप अपना पासवर्ड डाल देंगे जो आएगा आपके मोबाइल पे, वो उसके बाद आप कैप्चा जो है जो कैप्चा दिया गया है उस हिसाब से आप लोग डाल दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका ये ऑन हो जाएगा, ठीक। तो ये पोर्टल जब ऑन होगी तो मैंने पहले से कर रखे हैं अप्रेंटिस तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर आपको ये ऐसे दिखाएगा अपडेट, ठीक है। और इसमें आपको पूरा फुलफिल करना होगा प्रोफाइल को, यहाँ पे प्रोफाइल रहता है माय प्रोफाइल में जा करके आप पूरे चीज़ को चेंज कर सकते हैं, सारा चीज़ डिटेल डाल सकते हैं इसमें, एवरीथिंग इसमें आपको यहाँ पे से अपडेट करना पड़ेगा, ये सारे कुछ आपको इसी तरह से अपडेट करके करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे इसके होम पोर्टल पे, ठीक है, होम पोर्टल पे जाना है। एक मिनट में दिखा रहा हूँ, थोड़ा लेट लग रहा है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये जल्दी ही पीछे चला जाता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो और इस चीज़ को आप लोग कर सकते हैं। उस पे पोर्टल पे कैसे सर्च करना है वो मैं बताऊँगा अप्रेंटिसशिप के लिए, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। उस पर एक एक चीज़ स्टेप को समझना होता है और एक एक चीज़ को बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको कोई भी किसी समस्या ना हो। इसी पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करना है, सिमिलर तुरंत ही लॉग आउट हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको करेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ का दिक्कत ना हो, उसके बाद ही आप लोग कर पाएंगे आगे के लिए, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, उसके बाद आपको इसमें सर्च करना होता है, ठीक है। सर्च क्या करना होता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो जॉब्स के लिए, या नहीं तो आप ट्रैक माय वैकेंसी ये सब सारी डाल सकते हैं, मेल आईडी है, सेल्फ नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इनरोलमेंट आता है, ठीक है, नीचे जाएंगे।